बहुत बरिस पहिने धर्मशास्त्र में अगमवक्ता सब लिखने छले कि परमेश्वर पापी सब के बचाइले और परमेश्वर के साथ मिलाप कराबैले मसीहा पठाइते। येशु ख्रीस्ट के जीवन से वह मुक्तिदाता चिये कह के देखाइने छे। यशैया अगमवक्ता लिखने छे, एकटा कुमारे कन्या गर्भवती हेते और वो बेटा जन्माइते, जहिने कहलके तहिने भेले। परमेश्वर के शक्ति द्वारा मरियम गर्भवती भेले, वो येशु के जन्म दिलके। धर्मशास्त्र में एहन लिखल छे, ओकर आश्चर्य के जन्म परमेश्वर के चिन्ह छले। कथिले त वो बालक मसीहा छले, जकरा परमेश्वर ओकर बेटा कह के कहलके। जे लोग सब येशु ख्रीस्ट के देखलके, उ सब प्रकृति और परमेश्वर के शक्ति देखलके। उ लोग सब के चंगाई कलके और पाप सब क्षमा दिलके और अनंत राज में वास दे के लेल प्रतिज्ञा कलके। येशु के दंड भोगे पड़ले, तब लोग सब के लेल उ बलि भेले। तब ओकर शक्ति मृत्युओं के शक्ति से महान छे कह के देखावेले फिर से जीवित भेले। येशु मसीहा कहलके, हमर आपन प्राण अर्पण करेले और फिर से वापस लेके अधिकार हमरा छे। ओकर जीवन अगमवक्ता सब आबे वाला मसीहा के बारे में लिखलाहा नहते छले। येशु के जीवन से परमेश्वर के वचन सत्य और अपरिवर्तनशील छे से निश्चित करलके। वास्तव में येशु परमेश्वर के वचन छे। परमेश्वर येशु में भय के अपने आप के लोक सब प्रति प्रकट कलके। आदि में नर या नारी सृष्टि कलक, कारण उ सब ओकर उपस्थिति में खुशी साथ रहे कहके। लेकिन उ सब परमेश्वर में भरोसा नहीं करे सकल, ततबेहक नहीं हुनकर आज्ञा सोहो उल्लंघन कर दिलक। धर्मशास्त्र में एहन के लिखल छे, सब हे मानव पाप करने छे और पाप के बैन मृत्यु छे, पापी सब परमेश्वर के साथ नहीं बैठ सके छे। जहिनंग अब्राहम के बेटा के बदला में एकटा भेड़ा के पठरू जुटाइने छले, तहिना आदम के संतान के सट्टा में बलि हैले येशु ख्रीस्ट के पठैलके। उ एहन करे के कारण चाहे जे ओकर पर विश्वास करते उ परमेश्वर के उपस्थिति पर जेते। तै कारण जे येशु ख्रीस्ट के पछा लागे वाला सब दंड से उमकते, सब दिन जीवित रहते। येशु मृतक से बौरी उठला के बाद अपन चेला सब के कहलके, लोक सब जाति जाति के बीच में ओकर नाम में पश्चाताप और पाप क्षमा के प्रचार करते। येशु यहो कहलके कि ओकर चेला सब के साथ रहले सत्य के ओरी लागे वाला के और परमेश्वर के डगर पछावे वाला सब के लेल पवित्र आत्मा पठा देते। जब एकटा पापी स्त्री पश्चाताप करके येशु के पाछू लागले, तब येशु कहलके, तोहर पाप क्षमा भेल छौ, तो हमरा विश्वास कलही तोहर उद्धार भेल छौ। कोई व्यक्ति येशु के चेला हेबैले चाहना करे छे त निम्न प्रकार के प्रार्थना करके हुनकर साथ संबंध शुरू अहां कर सके छे। परमेश्वर बाबू, अहाँ धर्मी छिए, अहाँ हमरा प्रेम करने छिए, तै से हम धन्यवाद दै छी, अहाँ के विरोध में हम पाप कयने छिए, हमर कलहा पाप के कष्ट येशु भोग दिलके, हम धन्यवाद कहे छिए, हम अहाँ के रास्ता में बुलैले चाहे छिए और येशु प्रभु के हमर पाप क्षमा के लेल धन्यवाद दै छी। अहाँ के राज्य में आवे के लेल केवार खोल दिलिए, तकरो लेल धन्यवाद दै छी। अहाँ के मार्ग देखाबै ले पवित्र आत्मा पठा दिया, सेहो हम विनती करै छी। संपूर्ण हृदय से अहाँ के प्रेम करे ले और अहाँ के खुशी तुल्याबे वाला जीवन जिये ले अहाँ हमरा शांति दिया। संसार के सब लोग अहाँ के विश्वास करे और प्रशंसा करे। आमेन। येशु अपन चेला सब के विषय में कहलके, हमर लोक सब हमर स्वर सुनते और वही सब के हम चिन्हित छे और उ सब हमर पाछू एते।
यीशु ख्रीस्ट के प्रेम करे वाला चेला सब दोसरो लोक सब के यीशु ख्रीस्ट के बारे में बताबै छले। परमेश्वर के आत्मा के शक्ति से यीशु अपन चेला सब के डोरियाबै छले और शक्ति भी दै छले जे ओइ सब के हृदय में वास करे छले। स्वर्गारोहण हैत खिना के यीशु के कहला बात सब मने में राखने छले। स्वर्ग या पृथ्वी में सारा अधिकार हमरा देल गेल छे, देख हम युग के अंत तक सब दिन तोरा सब के साथ में छियौ।